वेलकम बैक फ्रेंड्स इन क्विक रिवीजन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आप सबको बताओ जब हम क्विक रिवीजन सेशन लाते हैं तो समय लेना बहुत ही जबरदस्त वीडियो आज की रहने वाली है तो आज हम क्वेश्चंस के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं जो भी जुड़े उनका बता दें एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स जो कि बहुत ही इजिली आप पढ़ सकते हो कम समय में इवन दो के पाँच दिन के अंदर अंदर कंप्यूटर जनरल वेनरस इंग्लिश ये नोट्स के थ्रू पाँच दिन के अंदर भी आप कवर कर सकते हो इस तरह के रिवीजन नोट्स प्रपियर किया गया जो कि पॉइंट टू तो पॉइंट है कोई भी फालतू चीज़ नहीं लिखी है एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम जिस तरह का एग्जाम का पैटर्न होता है उसी तरह के क्वेश्चन और उसी तरह की थ्योरी यहाँ पर सेट की गई है ये आप जरूर अवेल कर सकते हो इसके लिए आप वाट्सअप नंबर आपको बता देता हूँ वाट्सअप करना है आपको तो व्हाट्सअप नंबर है आपके सामने सेवन जीरो फाइव वन जीरो वन डबल फोर डबल एट इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे

क्यू आर क्विक रिस्पॉन्स ये सारी इनपुट डिवाइसेस है आपको पता होना चाहिए साथ साथ में आउटपुट डिवाइसेस को भी एक नजर लगा लेते हैं आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास मॉनिटर प्रिंटर हेडफोन स्पीकर प्रोजेक्टर जीपीएस ये सारी आउटपुट डिवाइसेस आती है लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो बोथ कैटेगरीज में आती है इनपुट एज वेल एज आउटपुट जैसे कि मॉडर्न नेटवर्क कार्ड टच स्क्रीन हेडसेट फैक्स ऑडियो कार्ड साउंड कार्ड तो ये जो है इनपुट और आउटपुट दोनों कैटेगरी में आती है ओके आई होप आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस याद रहेंगी क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज टीएफटी स्टैंड्स फॉर एफटी एक तरह का मॉनिटर होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है थिन फिल्म ट्रांसिस्टर थिन फिल्म ट्रांसिस्टर थिन ट्रांसिस्टर। तो यहां पर आपको मोनिटर की बात चल रही थी तो मोनिटर पर एक नजर लगा लेते हैं जल्दी से मोनिटर विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो भी कहते हैं मोनीटर दो तरह के होते हैं एक होता है मोनोक्रोम जो एक कलर सिर्फ डिस्प्ले करता है और एक होता है आपका दूसरा जो होता है वो मोनीटर डिस्प्ले कर सकता है कलर मोनटर कहते हैं दूसरा जो कलर मोनीटर वो दो सौ चरवंजा कलर को डिस्प्ले कर सकता है द इमेज क्रिएटेड बाई कन्फिग्रेशन ऑफ डॉट्स नोन एज पिक्सल पिक्सल जोड़ जोड़कर डाटा जो होते हैं वो जुड़ते हैं दैट इज पिक्सल एक इमेज बनती है टाइप्स ऑफ ये इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ मोनीटर सबसे पहले कंप्यूटर जो होते थे मोटे से पीछे से बैक उसका होता था मोटा सा जैसे कि पहले में आप कहीं रेक्टेंगुलर शेप का मोनीटर उसको कैथोड रे ट्यूब कहते थे और ये जो कैथोड रे ट्यूब है इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था फिर उसके बाद सी डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एल सी आई दीज आर द लैपटॉप

एफ टेन जो है एक्शन मीनू इलेवन इंपॉर्टेंट है फुल स्क्रीन मोड के लिए 12 as, किसी अलग नाम से फाइल को सेव करना इसको F12 होता है लॉजिकल सिंपली आपको समझ आ रहा होगा एथमेटिक लैंग्वेज लेकिन ये क्वेश्चंस का मेरा मकसद नहीं है क्वेश्चन जस्ट एक समझाने के लिए फील्ड से क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन डेफिनेटली जाते हैं तो प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस आप इस तरह से याद रखने फोर्टीन फार्मूला ट्रांसलेशन आई ने डेवलप की थी एलगो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज यूरोपियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेवलप की लिस्ट लिस्ट प्रोसेसिंग मैक जॉन मैक कार्थन डेवलप की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ग्रेस होपर ने इसको डेवलप किया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एलन

इंटीग्रेटेड तो है ही है ये नहीं है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेट तो नहीं है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क तो ये आंसर रहेगा बी ओके okay? तो कुछ इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जल्दी से एक नजर लगा लेते हैं थोड़ी थोड़ी थो थो सी याद रहती है पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मी पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूएसबी यूनिवर्सल बस सीरियल बस यूनिवर्सल सीरियल बस तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स थी एब्लिवेश्स जो आपको याद रखनी चाहिए क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंशन ऑफ द नोट पैड एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन अगर हम बात करें हमने एम एस वो एक्सएल पावर पॉइंट सबकी देखी अगर नोट पै की वे पूछी जाए तो ये होती है डॉ टी एक्स टी डॉ टी एक्स टी इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ नोट पैड लेकिन इंपॉर्टेंटली अगर हम देखें इनमें से एम एस वोड की फाइल एक्सटेंशन डॉट डी ओ सी एक्स एक्सल की डॉट एक्स एल एक्स पॉर पॉइंट की डॉ पी पी टी एक्स एम एस एक्स एस की डॉट ए सी सी डी बी तो ये फाइल एक्सटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा यह क्वेश्चन डेफिनेटली

की बोर्ड डिस्कवर जो है क्रिस्टोफर लेंथम शोज ने डिस्कवर किया था बोर्ड को क्रिस्टोफर लेंथम शोज ने क्वार्टी लेआउट आपने देखा होगा की जो मोस्टली यूज की बोर्ड होता है उनका लेआउट जो होता है क्वार्टी लेआउट लेट कहते हैं पहली वाली जो लाइन होता है स्टैंडर्ड जो होते है, उनको एक सौ चार कीज उसमें होती है जिसमें आपकी अल्फाबेटिकल की ए से जेड नम्यूरिकल की जीरो से नाइन फंक्शन कीज एफ वन एफ टेल्फ मोडीफायर कीज की बात करें आर्ट कंट्रोल शिफ्ट मोडिफायर कीज होती है टगल कीज की बात करें जिसमें कैप्स लॉक नम लॉक स्क्रोल लॉक ये आ जाते हैं टगल कीज में अगर इसके साथ साथ बात करें कंसट की बोर्ड रेस्टोरेंट में यूज होता है और जो नोमरिक की बोर्ड है टी एम वगैरह में यूज होता है कैप्स लॉक और नम लॉक को टग्ल की कहा जाता है क्योंकि इनके जो फंक्शन है ये चेंज होते रहते हैं जब जब इसको प्रेस किया जाए कैप्स लॉक टू एनेबल द डिस आ अपर केस कैप्स लॉक प्रेस करते हो अपर केस जो कैपिटल लेटर लिखना शुरू हो जाएगा फिर से प्रेस करोगे तो डिसेबल करोगे तो स्मॉल लिखना शुरू हो जाएगा नम लॉक होता है तो एनेबल डिबलिक की बोर्ड अगर प्रेस करोगे तो न्यूमेरिक मेरिक की बोर्ड लॉक हो जाएगा फिर वो नहीं लिखा जाएगा नंबर वाले फिर से प्रेस करोगे तो अनलॉक हो जाए स्केप की होता है किसी भी चीज़ को अवॉर्ड या कैंसिल करने के लिए किसी भी ऑपरेशन को खत्म करने के लिए बंद करने के लिए स्केप की का यूज़ किया जाता है

प्रिंटर की स्पीड जो है वो मेजर होती है करेक्टर्स पर सेकंड लाइंस पर सेकंड पेजेस पर सेकंड डिपेंड करता है किस तरह का प्रिंटर है लेकिन जो रेजोल्यूशन है प्रिंटर की उसकी स्पीड डॉट्स पर इंच डीपीआई डॉट्स पर इंच में मेजर होती है दिस इज इंपॉर्टेंट प्रिंटर की टाइप्स की बात करें इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट दो तरह की होती है इम्पैक्ट है आपके सामने और आगे हम नॉन इंपैक्ट देखेंगे इंपैक्ट की बात करें इसमें डॉट मैट्रिक्स डीजी व्हील लाइन प्रिंटर सॉरी लाइन प्रिंटर प्रिंटर ड्रिंटर तो ये चार तरह के इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो स्ट्राइक जिसमें इट स्ट्राइक्स द पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म अ कैटर जैसे टाइप राइटर एक वर्ड लिखा तो रिबन और पेपर स्ट्राइक करता है टाइप राइटर की तरह तो ये इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं ठीक है इट यूज पिन एंड प्रेस एंड इंट रिबन अगेंस्ट द पेपर चार तरह के हैं, आपके सामने हैं, इसको आप देख सकते हो रिडो भी कर सकते हो वीडियो पास करके किस तरह के प्रिंटर्स है ओके और नॉन इंपैक्ट की बात करें डोंट हिट द रिबन टू प्रिंट यहाँ पर रिबन स्ट्राइक नहीं करता और ये लेज़र इंक जैक थर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इस तरह के प्रिंटर्स को नॉन इंपैक्ट कैटेगरी में रखा गया है क्वेश्चन नंबर नाइन टू द शॉर्टकट टू एड न्यू स्लाइड इन द पावर पॉइंट पावर पॉइंट में अगर आप नई स्लाइड ऐड करना चाह रहे हो अपनी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करना चाहते हो कौन सी शॉर्टकट की तो यहाँ पर गलती नहीं करना है शॉर्टकट कर की कंट्रोल एम अगर आपने न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो कंट्रोल एम लेकिन अगर आपने पूरी प्रेजेंटेशन ही न्यू प्रेजेंटेशन ब्लैक प्रेजेंटेशन ऐड करनी है तो एन आई हमने स्लाइड की बात की थी न्यू ब्लैंक स्लाइड तो एम आएगा ओके तो कंट्रोल एफ पावर पॉइंट के अंदर सॉरी पावर पॉइंट के एफ फाइव जो है वो व्यू द स्लाइड शो स्लाइड शो को व्यू करने के लिए स्टार्ट करने के लिए एफ फाइव यूज होता है एस वो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टॉप या फिर अगेन प्रेस करोगे तो रिस्टार्ट करने के लिए यूज आता है स्केप में पूरी प्रेजेंटेशन को एंड करना हो तो स्केप यूज वो किया जाता है तो ये शॉर्टकट कीज पावर पॉइंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी आपको याद रखनी है क्वेश्चन टेन इन मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स व्हाट डज प्लस एफ फोर डू आल्ट प्लस एफ फोर शार्टकट की होती है मैंने बहुत बार आपको बताया है ये होती है या तो आप रिबूट करना है या शट डाउन करना है या भी किसी सिस्टम को अवर, प्रोग्राम को

तो इसमें कंट्रोल प्लस इजिकल टू सब्सक्रिप्ट के लिए यूज होता है करंट टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमिकलॉन करंट डेट ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस सेमिकलॉन ठीक है और अगर हम स्क्रीन लेने चाह रहे हो तो एक तो कार्न में आपको विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन की एक होती है वो प्रेस करनी होती है इंक्रीज द फोर साइज वन पॉइंट अगर करना है कंट्रोल प्लस के साथ क्लोज ब्रैकेट डिक्रीज करना है तो कंट्रोल प्लस के साथ ओपन ब्रैकेट डिलीट परमानेंटली किसी भी फाइल या टेक्स को करना है शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करोगे रिबूट या रिस्टार्ट uh, करना है तो आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस प्लस डेल करोगे तो ये स्टार्ट हो, हो जाएगा सेव एज अगर प्लस भी करोगे तब भी आप उसका आपका सामने आ जाएगा सॉरी <coughs> अगर हम बात करें सेव के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं सेव करने के लिए सेव के लिए आपको एफ ट्वेल्व से हो सकता है कंट्रोल एस से हो सकता है शिफ्ट एफ ट्वेल्ल से भी सेव हो सकता है डिफरेंट तरह से आप सेव कर सकते हो फाइल को प्रिंट प्रीव्यू देखना है अगर किसी भी जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो कंट्रोल प्लस एफ टू के से आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो कंट्रोल प्लस टैब जो है स्विच बिटवीन द ओपन प्रेजेंटेशन प्रजेंटेशन जो होती है ना स्लाइड्स प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में स्विच करना हो तो कंट्रोल प्लस टेप आएगा अदरवाइज आल प्लस टेप आएगा आपको अदर प्रोग्राम्स में शिफ्ट करना हो तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अगर आप चाहते हो कि एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको अवेलेबल हो जाए जो कि जस्ट इजिली जो है आप इसको रिवाइज कर सके कम समय में आप इसको कवर अप कर सके तो ये नोट्स आप जरूर लें है इसलिए आपको वर्ष कंटेक्ट तो ये वाट्सए नंबर दिया है वट्सप नंबर आपके सामने है ये वाट्सप नंबर पे वाट्सए मैसेज करेंगे कंटेक्ट करेंगे फोन कॉल नहीं करेंगे वाट्सए मैसेज पे आपको ये सारी नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं जो कि इजिली आपका वाला आप कर सकते हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसे लगे आप लाइक करके लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं थैंक यू यूंग